मोस्टली तो शाम बाद रावल पिंडी का कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो यहाँ पे ना आओ और शाम के टाइम यहाँ पे बहुत ज्यादा रश होती है। ओके ऑन है, इधर से सही नहीं बनेगी इस तरह। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाह। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं हूँ इकरा क्यों और आज आ गई हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हम लोग आए हुए आज चिनाब पार्क और आप लोग को दिखाने वाले हैं आज हम चिनाब पार्क का सारा माहौल के यहाँ पे क्या कुछ होता है, कैसी लोकेशन है, कैसे आप यहाँ पे आ सकते हैं। और अभी आप लोग के साथ करते हैं यहाँ की वीडियो शेयर, तो शुरू से लेकर वीडियो को एंड तक देखिएगा और नए आने वाले लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरी लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान की सकाफत को प्रेजेंट करने के लिए इन्होंने कुछ इस तरह से बैठने की जगह बनाई हुई है, ऐसी प्रेजेंटेशन की हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे इनका सेटअप। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते भी होंगे और जो लोग यहाँ विजिट कर चुके हैं वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएंगे आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। यहाँ से एंट्रेंस थी और अभी हम यहाँ पे अंदर आए हैं, तो थोड़ा जल्दी हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पे रश नहीं है। सो गाइज, मैं आपको बताती चलूं कि वैसे तो चिनाब पार्क में बहुत ज़्यादा रश होती है और अभी हम मॉर्निंग में यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे उस तरह रश नहीं है। मुझे मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मुझे रश वाली जगह पसंद ही नहीं है। मैं बेसिकली चिनाब पार्क में इसलिए आई थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ और यहाँ का एक्सपीरियंस। बेसिकली मुझे ये इतना पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा यू पार्क जाती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आई हूँ क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस को दिखाऊँ कि यहाँ का कैसा माहौल है और आप यहाँ पे आएँ इंजॉय करें। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले लोग लाजमी यहाँ पे आए होंगे और जो लोग यहाँ पे आए होंगे लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और अभी हम जा रहे हैं आगे, साथ साथ आपको दिखाते हैं। अगर हम अयूब पार्क से इसका कंपैरिजन करें तो अयूब पार्क तो बहुत बड़ा पार्क है और वहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप है, ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, अच्छी है। बहुत ज़्यादा लोगों को अयूब पार्क पसंद होगा और बहुत ज़्यादा लोगों को चिनाब पार्क पसंद होगा। ये डिपेंड करता है आपकी मेमरीज़ कहाँ पे हैं। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा गई हूँ अयूब पार्क, सो मैं वहाँ पर जाना मोस्टली ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर गई हूँ इसलिए मैं वहाँ प्रेफर करती हूँ, लेकिन अभी मैं आई हूँ चिनाब पार्क आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ का कैसा व्यू है और ये काफ़ी पुराना पार्क है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मज़ीद आगे, आपको जाके दिखाती हूँ कि यहाँ पार्क का कैसा व्यू है और ये कैसी जगह है। और मैं आपको ये एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि अगर आप बाहर से आउटिंग के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे KFC मैकडोनल्ड है, आप यहाँ से खाना वगैरह भी खा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से थोड़ा नीचे जाएं तो एक रेस्टोरेंट भी है और मिनिमम आपकी रेंज है तो आप वहाँ से भी अच्छा सा खाना खा सकते हैं। लेकिन पार्क के अंदर वैसे ही छोटी छोटी टक शॉप टाइप जगह हैं, तो बेटर है कि आप बाहर से ही खाना खाएं। और इसके अलावा हम आगे जाते हैं, मैं आपको ये भी बात बताती चलूँ कि चिनाब पार्क बहुत ज़्यादा हमारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं कि जो कि हमारी सकाफत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आगे चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाते हैं। और साथ मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं जो लोग चिनाब पार्क आए हुए हैं। और मोस्टली तो इस्लामाबाद रावलपिंडी का कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो यहाँ पे ना आया हो और शाम के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है। सो मैंने प्रेफर किया कि मैं मॉर्निंग में आऊँ और आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। सो लेट्स गो।
सुबह सुबह यहाँ पे आए तो पता चलता है कि यहाँ पे मतलब परिंदों की आवाज़ें आ रही होती हैं, हवा हल्की हल्की चल रही होती है, और अभी वैसे भी स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट है तो हर चीज़ ही एक ज़बरदस्त व्यू दे रही होती है। मॉर्निंग में आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ बच्चों के ट्रिप्स भी आए हुए हैं और दूर दूर तक छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं सामने से। ये सो गाइज, अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हर पार्क में बहुत ज़्यादा पौधे होते हैं तो यहाँ जिना पार्क चूँकि बहुत ज़्यादा पुराना है, यहाँ पे ये वाले पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। ये पेड़ जो मोस्टली आप कह सकते हैं कि हॉरर ड्रामों में, इंडियन और पाकिस्तानी ड्रामों में होते हैं, तो बरगद का पेड़ इसको बोलते हैं। और यहाँ पे इस तरह के बहुत पुराने पुराने पेड़ भी हैं और बहुत पुराने पुराने यहाँ पे मज़ीद इस तरह के भी दरख्त हैं। अभी हम आगे जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान की प्रोविंसेस को किस तरह प्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने बड़े बड़े ब्लॉक्स पिलर टाइप बनाए हुए हैं और उसमें इन्होंने बताया हुआ है पाकिस्तान के प्रोविंसेस के बारे में, नेम्स लिखे हुए हैं। इसके साथ ही अगर आप मेरी बैक साइड पर देखें तो यहाँ पर बच्चों की इंजॉयमेंट के लिए यहाँ पर झूले भी हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो आपको पता है कि पार्क में झूले ना हो तो उस पार्क का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये यहाँ पे इन्होंने पिलर्स बनाए हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, अगर मैं दूर से कैप्चर करती तो अच्छे से होती, बट यहाँ पे पाकिस्तान के प्रोविंसेस के नेम्स इन्होंने लिखे हुए हैं। करीब से दिखाते हैं आपको, ये है सिंध, ये है बलूचिस्तान, और यहाँ पे इन्होंने कुछ वो टाइल्स पे काम शाम भी कुछ किया हुआ है, पिक्चर्स भी बनी हुई हैं। ये है खैबर पख्तूनख्वा और ये है पंजाब। और अभी हम जाते हैं बरगद के पेड़ की बैक साइड पे, और हम किसके ऊपर खड़े हैं, वॉल के ऊपर। तो गाइस अभी मैं बरगद के पेड़ पे आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने सुना है बहुत ज्यादा चुड़ैले होती हैं, रात को डर लगता है, दिन को नहीं लगता, चलता है सब। फॉर ब्रेकफास्ट यहाँ पे एक कैफे भी है, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, ये आ गया सामने तो मैंने कहा आपके साथ दिखा दूँ कि नाश्ता नहीं किया हुआ तो आप नाश्ता भी कर सकते हैं। तो अगर मेरी कैमरा मैन आपको दिखाएं तो बड़ा अच्छा सेटअप बन गया उनका, लेकिन आज हम बिल्कुल फुल होके घर से आए हैं और बिल्कुल मूड नहीं है खाने पीने का। इनका काफ़ी अच्छा सेटअप है, मैं ये कैमरे में इसलिए दिखा रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारी तरह मॉर्निंग में पार्क्स में आते हैं, टाइम से आते हैं टाइम से जाते हैं, तो अगर आपने नाश्ता नहीं किया तो इनका बहुत अच्छा सेटअप है। यहाँ ऊपर भी हम लाजमी यहाँ पे विज़िट करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ दिस कि हम लोग तो बिल्कुल घर से फुल होके आए तो हम लोग लंच ही बाहर करेंगे, नाश्ता नहीं करते। बाकी कुछ इस तरह का माहौल है यहाँ का। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और मुझे एक यूनिक सा प्लांट यहाँ पे नज़र आया है, इसमें थ्रू आउट इसमें कांटे हैं, मुझे इसका नाम नहीं आता बट ये बहुत ज़्यादा कुछ यूनिक ही चीज़ है, मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूँ। ये ना अपने दुश्मनों को गिफ्ट करें, इसके साथ सिर्फ कांटे हैं फूल नहीं हैं। दरख्तों के अंदर से इस तरह सूरज की शुआएँ निकल रही हैं और बिल्कुल, और नीचे अगर आप देखें तो जगह जगह इस तरह के छोटे छोटे से कैफ़े टाइप बने हुए हैं आइसक्रीम के लिए, गोल गप्पे, चाट, वट एवर यू वांट। एक और बरगद का पेड़, हो इसके नीचे हूँ ना यार। लगता है किसी परिंदे ने आत्महत्या कर ली है। Stop it. Get some help. ये देखें, ब्लड है आई थिंक या पता नहीं क्या है, बट सो गाइज इस टाइम मैं जिना पार्क के बिल्कुल कॉर्नर में मौजूद हूँ, बिल्कुल लास्ट पे, और यहाँ पे मैं आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पे मज़ीद किस तरह की चीज़ें हैं और क्या कुछ सिनेरियो है। यहाँ पे आप मेरी बैक साइड पे देखें, यहाँ पे थ्रू आउट इंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ से नज़र नहीं आ रहा लेकिन आगे भी इसी तरह ट्रैक्स बने हुए हैं जॉगिंग के लिए, इसके अलावा कुछ हैं, बच्चे इंजॉय भी कर रहे हैं यहाँ पे, आए हुए भी हैं। अगर मैं उस तरफ गई तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, बट ये ही यहाँ का लास्ट कॉर्नर है। हाँ ये ट्रैक बना हुआ है बच्चों की ट्रेन, यहाँ से वो रही ट्रेन, और यार मुझे दिल है बैठने का लेकिन अब हम जो है बड़े हो गए तो हम नहीं इसमें बैठ रहे, बट ये पूरा ट्रैक बना हुआ है और बीच में दरख्त हैं और क्या ही खूबसूरत
व्यू आता होगा, क्या मजा आता होगा, बच्चे से इंजॉय करते होंगे। सो लेट मी शो यू गाइज, मजीद हम आगे जाते हैं, मजीद आपको दिखाते हैं यहाँ। अच्छा, जिना पार्क के कॉर्नर में आप आएंगे तो यहाँ पे बच्चों के लिए मजीद कुछ झूले हैं और बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे बोट शिप है और इसके अलावा ये हम लोग जॉयलैंड गए थे वहाँ पे तो बहुत बड़ा था ये, इसका इस राइड का नाम है कैपिटल आई और वहाँ पे बहुत बड़ी ये राइड थी। ये कुछ रिफ्रेशमेंट सेंटर हैं और साथ ही ये यहाँ पे कॉर्नर पे इनका एक रेस्टोरेंट है, इसके अंदर इनकी कुछ और प्ले एरिया है और यहाँ पे इनकी यहाँ पे भी कुछ छोटे मोटे झूले झूले लगे हुए हैं और ये आई थिंक इनका टिकट हाउस है आई थिंक सो, या फिर सिक्योरिटी रूम है। और अभी हम यहाँ से वापस चलते हैं। आ जाओ, ये यहाँ पे इनके कुछ एक्सरसाइज के लिए अभी चीज़ें बनी हुई हैं और यहाँ पे स्लाइड है और यहाँ पे कुछ बेंचेस हैं और यहाँ पे हैं कुछ झूले और अभी हम यहाँ पे भी थोड़ा बैठ के इंजॉय करेंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। आज मैंने आपको जिना पार्क का थ्रू आउट विजिट करवाया और यहाँ आपको दिखाया है। इवनिंग में नहीं आई मैं, मॉर्निंग में आई हूँ क्योंकि इवनिंग में यहाँ पे होती है बहुत ज़्यादा रश। और ये थी मेरी फुल वीडियो और एंट्री यहाँ की बिल्कुल फ्री है, लोकल अगर आप आएँ तो आराम से आ सकते हैं और गाड़ी में तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। एनीवे, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और मजीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए इकराकीम जंजुआ के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मज़ीद शेयर करें, इसके अलावा सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Share and subscribe.